सोनाली ने मेरे बाल कर्ल करे हैं और मैं बुआ बन चुकी हूँ। 5 रुपए के लिए 12 थप्पड़ मारे, 12। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज कीर्ति मेहरा एंड यू आर वाचिंग ऑब्वियसली कीर्ति मेहरा विद अनदर वीडियो एंड विद कर्ली हेयर, ये बाउंसी एंड वेवी हेयर। सोनाली ने मेरे बाल कर्ल करे हैं और अच्छे लग रहे हैं। दिखा, मैं बताती हूं कैसे करना है। मॉडल बना दिया मेरे को, मॉडल बनाने की करोड़ों से है। सी कितना अच्छा लग रहा है, सेंटर पार्टीशन नहीं अच्छा लग रहा था, नहीं साइड पार्टीशन ज्यादा अच्छा। हाय गाइस, ये जो कॉस करे इशरा गेट, सोनाली नहीं करे तो झूठ कितना कीर्ति में है कि मैंने करे हैं। सोनाली को जानती है मेरी ऑडियंस, छोटा हाथी बोल चुके हैं सब उसे। तो अभी हम कहीं जा रहे हैं तो मिलते हैं, बाल वाल अभी देखते हैं, पहले वॉशरूम जाना है मेरे को बहुत ज्यादा जरूरी। सीधा कट्टू सीन मैं अब यहाँ का लगा रही हूँ गाइस। कल रात को मैं कहीं नहीं गई, ऑब्वियसली जाना था, उसके लिए कर्ल्स वगैरह कराए थे जो कि अब खुल चुके हैं पूरे, नहीं जा पाई क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हो गई थी तो मेरे को पहले इधर उधर जाना पड़ा। जो जा रही हूँ मैं, जो मेरी भैया की बेटी हुई है, कुछ टाइम पहले मैंने व्लॉग डाला था नाना जी के साथ वाला, जिसमें गोद भराई वाला था, बेबी शार टाइप्स था। तो सबको मैं बता दूं कि भाभी को प्यारी सी नन्ही सी बेटी हुई है और मैं बुआ बन चुकी हूँ। बुआ बनने के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल दो। और हमारे घर में एक नई मानसी, नई कीर्ति आ चुकी है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। और यही चल रहा है यार, मेरे को लग रहा है ना अभी मेरी लाइफ में यही चल रहा है कि मेरे सारे भाई बहन शादी करते जा रहे हैं और फिर उनके बच्चे भी होते जा रहे हैं और मैं यहाँ पे अपने हालात पर रो रही हूँ। हाँ मतलब मैं कौन से नंबर पे आती हूँ, मैं 4th नंबर पे आती हूँ। हम 6 भाई बहन हैं मासी की साइड वाले, तो मैं 4th नंबर पे आती हूँ। मेरे से छोटे दोनों भाई हैं, एक तो मेरा ही भाई है और एक और भाई है। तो सबसे बड़े वाले भैया की शादी हो चुकी है, उनसे नीचे जो एक भैया हैं उनकी हुई नहीं है, उनकी भी मेरे हिसाब से हो जाएगी। और फिर उससे नीचे एक बहन है उसकी हो गई, फिर मैं हूँ, तो 6 में से 2 तो डाउन है। तो जो बीच वाले भैया और अब मैं हूँ, हम दोनों पे नज़र है सबकी कि तुम करो जल्दी और निकलो यहाँ से। वो तो क्या निकलेंगे, निकलूँगी तो मैं अभी चलती हूँ फटाफट से, कुछ गिफ्ट वगैरह हमने ले लिया वहाँ पे चलते हैं। नाना जी अभी मिल के चले गए हैं तो अपने गैंगस्टर नाना जी तो मैं नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि वहाँ पे वो है नहीं, बाकी सबसे मिलवा दूँगी, थोड़ा बहुत डांस कर लेंगे, उसके बाद शाम को बैडमिंटन खेलने जाएंगे। सो लेट्स धोने वाला आने लगा और हमारी गाड़ी 4 बहुत दिन से गंदी ही है और हमें समझ नहीं आ रहा कि क्यों नहीं आ रहा है। मम्मी ने पैसे नहीं दिए मेरे को लग रहा है। अरे जब तू घर पे नहीं होगी तो पैसे की तो बात ही नहीं, और हमसे ले लिए, चल ना फालतू खास कर लिया। मैंने ले लिए 500 रुपए। 500 रुपए के लिए मम्मी मेरी मेरे को चप्पल जूते मार सकती है 500 रुपए के लिए, बस नहीं मार सकते तो बता दो। पागल है, 500 तेरे को मार दो। हां 500 के पीछे। हां अभी मैंने एक स्टोरी सुना दी ना इनको, नया स्टैंड यहाँ बैठे होंगे, ले ले किसी से, इतना ही फ्रेम बन पाया कि ये टूटे हुए स्टैंड में गए हमसे। एक बार क्या हुआ था, ये 500 रुपए के लिए मार नहीं सकती, इन्होंने 5 रुपए के लिए मारा है मेरे को। हाँ तो तूने क्या किया था 5 रुपए का? मैंने क्या किया था? हाँ तो तूने बताओ स्टोरी बताओ फिर मैं बताऊँ। मुझे याद नहीं है, पता नहीं चुराए थे या खर्च कुछ, मैंने खर्च कराई थी शायद दुकान, चुराए नहीं थे 5 रुपए भी, क्यों 1 रुपया वो स्लैब के नीचे पड़ा हुआ था घर की रसोई की, तो मैंने 1 रुपया उठाया और मैं चीज लेने चली गई क्योंकि क्या हो गया अपने ही तो पैसे हैं घर की तो है। मैं वापस आई, इन्होंने मेरे को 12 थप्पड़ मारे, 12 थप्पड़। बिल्कुल बंदा ऐसे, मैं गिन रही थी थप्पड़ वो शुरुआत, आज तो मार दिया आज के बाद के दिखाना शुरुआत हमेशा चोरी की। थप्पड़ ऐसे गिन रही, 1 2 3 4 5, मैं बेशर्मों की तरह थप्पड़ गिन रही हूँ। मैंने कहा आज तो इस औरत ने मेरे 12 थप्पड़ मारे हैं और आज भी हिम्मत है मारने की, आगे से मार के दिखाना 12 12 12 एक। अब क्या मारना भाई, ये मार देंगी ईगो ईगो मेरे। इससे बढ़िया मैं पहुंच चुकी हूँ लोकेशन पे, 8 मिनट ही दूर थी लोकेशन। अभी रुक जा, अभी वो वहीं थे, अभी देखो मैं फोन लाई नहीं, तो कहीं पे भी लगा लेना, इतनी ये लगा ली है भाई के से हटा लेगा। गाड़ी लगाने का कुछ सेंस पता कि बाहर गाड़ी रहेगी तो ठोकेगी कोई ना कोई, ये लगा ले यहाँ पे पार्किंग का है ये तो बता देना। शुरुआत हमेशा छोटी चीज से होती है, चोरी नहीं की थी मैंने, चोरी हो या कुछ हो, हमेशा मांग के लोग
बंदा जब स्टार्टिंग होती है अरे तो एक लिया मेरे पर्स में से पैसे क्यों निकालते जब कैश पड़ा होता है। कौन वो माँ बाप का जन्म सिद्ध अधिकार है? चोरी नहीं है वो, चोरी नहीं वो माँ बाप का अधिकार है। तो बच्चों का अधिकार नहीं है कोई? बच्चों का हमेशा ही होता है माँ बाप से मांगना, बच्चों से नहीं मांगते बल्कि बच्चों का खुद का फर्ज होता है माँ बाप को बिन मांगे देने। फिर आप चुपके चुपके क्यों निकालते? वो हमारा क्या, मैं तेरे पियो के पर्स को नहीं छोड़ देते तो तेरा क्यों छोड़ूंगी? आदत तेरे पियो से नहीं पूछ के निकाले कहाँ जा रहा है पैसा, इसीलिए मेरी मर्सिडीज नहीं आ रही। तेरी मर्सिडीज अरे आ जाएगी मर्सिडीज नहीं जगह। बैडमिंटन तो खेलने गए नहीं आते, इतनी तेज नींद आ रही थी मुझे, मैं जमीन पे सो गई बढ़िया। और बहुत दिन बाद मैंने होता है ना वो दोपहर की नींद बोली है, तो ऐसी नींद के लिए 100 बैडमिंटन कुर्बान। बहुत दिनों बाद इतना आराम मिला, बहुत सोई मैं, बहुत सोई और सो के जब मैं उठी तो मुझे पता चला मौसम बहुत प्यारा हो रहा है, मतलब पता नहीं इसमें दिख रहा है या नहीं दिख रहा बट मौसम इतना प्यारा हो रहा है ना कि अभी मन कर रहा है गाड़ी निकालूँ और निकल जाऊँ, बट नहीं, बट हाँ क्यों नहीं, मतलब क्यों नहीं गिरती मेरा। अब मैं सोच रही हूँ गाड़ी उठाएं और कहीं निकलें, कहीं घूमें इधर उधर, मम्मी को भी लेके जाएं या बैंकॉक को ले जाएं। बैंकॉक तुझे कुछ कराना है? कुछ बहाना ढूंढती हूँ घर से बाहर निकलने का ना। बैंकॉक चीजी खानी है आपको? वो वाली रील देखी आपने वॉक पे ले जाने की, वॉक पे ले जाने का बोल के बॉयफ्रेंड से मिलने आया तो बॉयफ्रेंड भी नहीं है, मैं क्या करूँ। ठीक है बैंकॉक को कहीं लेके जाएं, मतलब प्लान करते हैं कुछ, चलते हैं कहीं, संडे है तो संडे ख़राब तो नहीं करेंगे। एंड आप भी अपना संडे ख़राब मत करना गाइस, घूमो फिरो, घर पे टाइम दो, अपने दोस्तों को टाइम दो, अपने काम को टाइम दो, सबको टाइम दो, मैनेज करना सीखो, मतलब इन शॉर्ट जब आप मैनेज नहीं करते ना तो आप पैनिक हो जाते हो, जैसे पहले मैं भी हो जाती थी कि बहुत सारा काम है मैं पैनिक हो रही हूँ। पर मेरे को समझ आया कि कमी मेरे में है कि मैं मैनेज नहीं कर पा रही चीज़ें, तो मैनेज करना सीखो। एंड हैप्पी संडे, आई लव यू गाइस। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।